फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज एकादशी है और एकादशी के दिन सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, आप व्रत करें या ना करें, आपको चावल नहीं खाना होता है। हर वीडियो में मैं बताती हूँ और हर वीडियो में मुझे इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि मैम चावल क्यों नहीं खाते हैं। दोस्तों बता दूँ, कई लोग तो ये भी दलीलें देते हैं कि जगन्नाथपुरी में आप चाहे किसी दिन चले जाइए, वहाँ पर आपको रोज़ चावल का प्रसाद मिलता है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक बात से अनजान है और वो ये है कि जगन्नाथपुरी, हालांकि जगन्नाथ भगवान विष्णु भगवान का रूप है, फिर भी वहाँ पर माता काली को बंदी बनाकर रखा हुआ है, ऐसा माना जाता है, इसलिए वहाँ पर रोज चावल का भोग बनता है। लेकिन दोस्तों जो वैष्णव होते हैं, जो विष्णुपंथी होते हैं, उनको चावल वो उस दिन एकादशी के दिन भोग हो अगले दिन के लिए रख देते हैं, पर उस दिन ग्रहण नहीं करते हैं। दोस्तों माना जाता है भगवान भाव के भूखे होते हैं, उनके दिव्य आहार, आप उनको महंगे सूखे मेवे का भोग लगाएं या चावल का लगाएं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको आप चावल के आधे दाने से भी प्रसन्न कर सकते हैं। महाभारत का अगर जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें बताया गया है दोस्तों कि एक बार जब ऋषि दुर्वासा वनवास में, पहले हम रिलीजियस पॉइंट देख लेते हैं कि क्यों हमारे शास्त्रों में मनाई की गई है चावल की, उसके बाद इसके दो पहलू और होते हैं, एक तो होता है वैज्ञानिक कारण और दूसरा होता है वास्तु। दोस्तों तीनों के बारे में आज मैं बताऊंगी कि चावल एकादशी को हम क्यों नहीं खाते हैं। भगवान के दिव्य आहार के रूप में जाना जाता है चावल से, चाहे वो बनी हुई खीर हो, चावल से बने हुए कोई भी पदार्थ हो, दोस्तों भगवान को अर्पित करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों जब एकादशी की बात आ जाती है तो सबसे ज़रूरी बात है एकादशी के दिन चावल खाना और चावल का भोग दोनों नहीं लगाना चाहिए। इस दिन चावल को कीट की संज्ञा दी गई है, कीट यानी कि इंसेक्ट की संज्ञा दी गई है, मन को चलायमान ना कर पाए, इसलिए व्रती को इस दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। एक और पौराणिक कथा आती है जिसके हिसाब से माता शक्ति के क्रोध से भागते भागते भयभीत महर्षि मेधा ने अपने योग बल से शरीर छोड़ दिया था और उनकी मेधा पृथ्वी में समा गई थी। वही मेधा जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुए। ऐसा माना गया कि यह घटना एकादशी के दिन ही घटी थी और ये जौ और चावल महर्षि की ही मेधा शक्ति है, जो जीव है, इसलिए इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े खाने जैसा माना गया है। दोस्तों इसलिए इस दिन से जौ और चावल को जीवधारी मानते हैं। आज भी जौ और चावल को उत्पन्न होने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल जल का छींटा मारने से ही अंकुरित हो जाते हैं जो दोस्तों, इसलिए इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी के भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया होता है। और इस समय काल में साधना और सिद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम माना जाता है। दोस्तों इस समय अगर आप साधना करते हैं एकादशी के बाद से, तो माना जाता है कि शीघ्र फलदायक होता है। धर्म अनुष्ठान हो, उपवास हो, किसी भी चीज़ के लिए एकादशी की तिथि बिल्कुल उत्तम मानी गई है। और ऐसा माना जाता है एकादशी में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण करने से इस दिन अन्न पदार्थों में पाप का निवास होता है। दोस्तों इस दिन कंदमूल या शामक आदि जो जमीन के बिना जोते उपलब्ध होते हैं, उन्हें ग्रहण किया जा सकता है, और अगर सहजता से उपलब्ध ना हो तो फलों का सेवन करना उचित बताया जाता है। दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है, वो ये है कि एकादशी के दिन धार्मिक और आस्तिकों की सम्मति से चावल खाना पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है। इसका कारण ये होता है कि चावल को जब हम बोना शुरू करते हैं, उस समय से लेकर के अंत तक जल की अनिवार्यता, यानी कि जल देना ज़रूरी होता है, जैसे कि चावल का धान बोते समय जल लगता है, रोपाई होती है तो जल लगता है, अन्य अन्नों की तरह इसकी दो या चार बार सिंचाई नहीं होती, बल्कि जब तक इसके दाने पक नहीं जाते तब तक इस पौधे को पानी में ही रखा जाता है, और जब कटाई होती है तो ये खाने के लिए पकाया जाता है तो भी पानी में ही, एक प्रकार से कहा जाए तो दोस्तों ये पानी का कीड़ा है। अगर हम दूसरे अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे प्रकाश डालें दोस्तों, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रमा, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, ये तो ही वैज्ञानिक कारण, अब मैं बता दूँ आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्यों खाने की मनाही होती है।
हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि चंद्रमा को हिमांशु, हिमकर आदि नामों से जाना जाता है, क्योंकि चंद्रमा का जल राशि का चंद्रमा ग्रह माना जाता है। अब ये पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अष्टमी की तिथि से ही जल के प्रति इसका आकर्षण बढ़ने लगता है। जो हाई टाइड आते हैं, लो टाइड आते हैं, वो इसकी वजह से होते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एकादशी की तिथि से ये पानी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है और पूर्णिमा के दिन इसका जल के प्रति आकर्षण क्षमतापूर्ण चरम सीमा पर रहता है, जिसके कारण समुद्र में हाई टाइड आते हैं, या जिनको हम हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। आप किसी भी पूर्णिमा को कहीं पे भी किसी भी समुद्र के पास चले जाइए, वहाँ पे ज्वार भाटे का नज़ारा दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होता है। सेफली देखना है आपको, पास में नहीं देखना है जा करके। और जो लोग इस दिन बहुत हैवी भोजन करते हैं दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप अपच हो सकती है, बदहजमी हो सकती है आदि की शिकायत भी पेट में उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए दोस्तों धार्मिक हो या वैज्ञानिक कारण हो, दोनों रूप से ही एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह से वर्जित किया गया है। दूसरी ओर दोस्तों पद्म पुराण के अनुसार चावल का संबंध जब जल से किया गया है और जल का संबंध चंद्रमा से है, पांचों ज्ञान इंद्रियां और पांचों कर्म इंद्रियां पर मन का अधिकार है। मन और सफेद रंग, चावल का रंग क्या होता है? सफेद। तो मन और सफेद रंग के स्वामी भी चंद्रमा आते हैं, तो स्वयं जल रस और भावना के कारक होते हैं चंद्रमा। इसलिए जल तत्व राशि के जातक भावना प्रधान होते हैं दोस्तों। आप अक्सर देखेंगे जिनका चंद्रमा कमजोर है वो लोग जिंदगी में धोखा खा जाते हैं, और एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में आपको उतनी अधिक सात्विकता रहती है। आदिकाल से देवर्षि नारद ने 1000 साल तक एकादशी का निर्जल व्रत करके नारायण भक्ति को प्राप्त किया था वैष्णवों के लिए, इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान चंचल ना कर पाए, इसलिए व्रती को इस दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। अब फिर अगर आप चावल खाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, जल को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यदि व्रती चावल का भोजन करे तो जो चंद्र की किरणें होती है उसके शरीर के संपूर्ण जलीय अंश को तरंगित करती है, यानी कि उस पे असर करके अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से मन चंचलता की ओर अधिक भागने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, एकाग्रता से जब आप व्रत करते हैं तो आप उस दिन क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का जप करते हैं, भगवान की कीर्तन भजन आदि श्रवण करते हैं, और ये सब चीज़ों से आपकी एकाग्रता हट जाएगी। सही प्रकार से आप भगवान का व्रत और पूजन नहीं कर पाएंगे, मन के चंचल होने से व्रत के नियमों में पालन करने में बाधा आने लगती है। इसीलिए दोस्तों एकादशी व्रत में मन का निग्रह और सात्विक भाव का पालन करना, जो कि बहुत अति आवश्यक होता है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए चावल को खाने की बनाई की जाती है। दोस्तों चावल खाना इसलिए एकादशी के दिन वर्जित होता है, और जो लोग जगन्नाथपुरी में प्रसाद के तौर पर इसको अगर खाते हैं दोस्तों, अगर आप वैष्णव नहीं हैं तो आप बिल्कुल प्रसाद ले सकते हैं, पर अगर आप किसी भी तरह से वैष्णव पंथ को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो इस दिन सर्वथा वर्जित बताया गया है। दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी इन वीडियोस को, अपने मम्मी पापा भाई बहन और बच्चों से जो कि क्वेश्चन करते हैं कि एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे समाज की, हमारे शास्त्रों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे बच्चों तक भी, आगे आने वाले जनरेशन तक पहुँच सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के क्वेश्चन हों प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ।